कांग्रेस कमेटी झालारापटनम ने डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों महंगाई कम करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन झालारापटनम तहसील के सामने 1 बजे तक चला। उसके बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार झालारापटनम को ज्ञापन दिया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फरीद चौधरी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध करते हुए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को चेताया, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से आम लोगों पर भारी प्रभाव पड़ा है। कमर तोड़ महंगाई से पहले ही जनता त्रस्त है। धरने में पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा, पूर्व नगर पालिका झालारापटनम के चेयरमैन मुबारक मंसूरी, ब्रजमोहन बेरवा, विष्णु प्रसाद पाटीदार, सूरत राम गुर्जर, प्रकाश पाटीदार, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओम पाठक, नगर अध्यक्ष झालावाड़ नफीस थे, पूर्व पार्षद फारूक अहमद, आसिफ शेरवानी पाटर नगर अध्यक्ष, इसके साथ ही अनीश अगवान पार्षद, शंकर नगर पार्षद, मंगल गुर्जर सरपंच, अक्षय नामदेव, नितिन सेठी सरपंच, सुरेश राठौड़, फारूक गोरी, बावड़ी खेड़ा आदि सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस जनकर कार्यकर्ता शामिल हुए और संचालन जयंत मेहता द्वारा किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद